वही जा रहे हैं जो कि दलाली से जीवन यापन करते हैं। उन नेताजी से कहता हूँ, आइए धूप में, तपती धूप में मेरे साथ पदयात्रा करिए, तो पता पड़ जाएगा कौन जवान है और कौन बूढ़ा है। चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं क्या विराजगढ़ से? वोट उनका नहीं है, ईवीएम का वोट। लाख कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी के कितने भी लुभान दे दे महिलाओं को, पर वो जीतने वाले नहीं। इस बार जीत होगी तो राजा दिव्य सिंह जी को। बिल्कुल, राजा साहब जीतेंगे क्योंकि राजा साहब एक धार्मिक व्यक्ति हैं, वो एक भगवान को मानने वाले हैं। रोजगार मिल पा रहा है ना ही, देश की कोई आर्थिक स्थिति सुधर पाई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मध्य प्रदेश के दो धाकड़ दिग्गज नेता राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं, एक दिग्विजय सिंह है और एक कमलनाथ है, लेकिन दोनों की साख दांव पे लगी है क्योंकि लोकसभा चुनाव है। नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन ठाकुर इस समय मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में। आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े के धुन पर किस तरह से जो दिग्विजय सिंह है वो पद यात्रा कर रहे हैं, 20 किलोमीटर रोज पद यात्रा कर रहे हैं राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि एक अनोखा यह पहचान है मतदाताओं के बीच में जाने का। और आप देख सकते हैं किस तरह से पदयात्रा कर रहा है, पगडंडी के माध्यम से ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं। और सबसे खास बात बता दूं कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से उनके बेटे जो नकुलनाथ है उनकी लिए चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, लगातार उनकी भी साख दांव पे है। तो इसी तरह राजगढ़ से दिग्विजय सिंह है जो यहाँ पर 30 साल पहले चुनाव लड़े थे, वापस उनको कांग्रेस ने भरोसा जताया है और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में उनको मैदान में उतारा। आप देख सकते हैं ये पद यात्रा चल रही किस तरह से, भजन मंडली है और ये इनमें महिला भी साथ है, तमाम ये महिला भी हैं, लोग भी हैं। हम इनसे ही सीधे बात भी करेंगे, ये भजन मंडली के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे राजा साहब बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। लाख कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी के कितने भी लुभान दे दे महिलाओं को, पर वो जीतने वाले नहीं। इस बार जीत होगी तो राजा दिव्य सिंह जी की होगी। रोडमल नागर हमेशा जीतते आ रहे हैं भाजपा से। मशीनों का देखो, ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई तो राजा साहब 5 लाख वोटों से जीतेंगे, मशीनों में अगर गड़बड़ नहीं हुई इस बार। बिल्कुल, राजा साहब जीतेंगे क्योंकि राजा साहब एक धार्मिक व्यक्ति हैं, वो एक भगवान को मानने वाले हैं और उनने जनता राजगढ़ जिले के लिए हमेशा बहुत कुछ किया है। हर व्यक्ति के उनके दरवाजे खुले रहे जब वो मुख्यमंत्री थे, आज भी कोई नेता ऐसा नहीं है जो सुबह उठकर के शाम तक जनता के बीच में रहता हो और शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक जब तक जनता खत्म नहीं हो जाती तब तक वहाँ पर वो दरबार लगाते और मिलते हैं। उन्होंने बहुत कुछ दिया है, शिक्षा कर्मी जो आज हम देख रहे हैं गांव-गांव में, स्वास्थ्य कर्मी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, डैम बनवाना है, रोड बनवाना है, कुएं बनवाना है और हेडपम्प बनवाना है। जो एक राजगढ़ जिले में पानी की कमी थी, जो पठारी इलाका कहलाता था, उसको तोड़ के उन्होंने हर गांव में पानी की व्यवस्था करवाई है। तो राजा साहब ने बोया ही बोया है और 33 साल बाद हमारे माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी मैदान में आए तो निश्चित रूप से भारी मतों से ऐतिहासिक विजय होगी। देख सकते हैं तमाम ये कार्यकर्ता है, महिला भी है। और सबसे खास तस्वीर ये दिखाना चाहूंगा, ये महिला कार्यकर्ता है जो कांग्रेस का ध्वजा लेकर सबसे आगे 20 किलोमीटर तक चलती है। इस यात्रा में सबसे बड़ा जो तस्वीर है तो वो महिला है, जिस तरह से लाडली बहनों का कार्ड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने खेला था और आदि आबादी महिलाओं पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का फोकस है, उसी तरह इन महिलाओं पर अब कांग्रेस भी फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। और ये यात्रा आप देख सकते चल रही है, हम खुद उनके साथ 20 किलोमीटर तक पैदल चला है, सुबह से उनके साथ ही हैं और ये भजन मंडली करने वाले हैं और हम तमाम लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यात्रा चलती आ रही है, मगर इस यात्रा में खास तौर पर उन इलाकों में जा रहे हैं दिग्विजय सिंह, जो जहाँ पर कुछ पिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ पर दो जो सांसद है रोडमल नागर भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने काम नहीं करे उन इलाकों में ये यात्रा निकाल रहे हैं। और आप देख सकते हैं दिग्विजय सिंह के साथ हुजूम जन सैलाब उमड़ा हुआ है, यात्रा में तमाम जो कार्यकर्ता आ रहे हैं और इन तमाम कार्यकर्ताओं का दावा भी है कि दावा कर रहा है कि दिग्विजय सिंह 5 लाख से जीतेंगे, मगर ये तो समय 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच में लगातार यात्रा में दिग्विजय सिंह कुछ चल रहे हैं, हम भी बात करने की कोशिश भी करेंगे। सर यात्रा में जन सैलाब देख रहे हैं, महिला सबसे आगे चल रही है, नारी शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र में। अच्छा सर, जिस तरह से महिलाओं का कार्ड खेल रही बीजेपी, मगर आप लगातार महिलाओं की जो योजना है उसकी भी बात करें। ये कार्ड जरूर खेलती है लेकिन महिलाओं को सम्मान नहीं देती और पूरे तरीके से
अगर आप बयान देखेंगे भाजपा के नेताओं के, वो इस प्रकार के बयान देते जैसे कि महिलाओं को समाज सेवा में आना ही नहीं चाहिए। और इस तरह से कार्यकर्ता आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं सब, उनको घर में रह के खाना पकाना चाहिए, ये उनकी मानसिकता है। सर लगातार अभी नरोत्तम मिश्रा और भाजपा के दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि 1,00,000 लोगों को हम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के 6 तारीख के दिन भाजपा ज्वाइन करवाएंगे। ऐसा है, वही जा रहे हैं जो कि दलाली से जीवन यापन करते हैं, जो कि रेत का ठेका और गलत काम करते हैं, वही जा रहे हैं। कांग्रेस का जो जमीनी कार्यकर्ता वो एक नहीं गया। देखने को मिला है कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कमलनाथ जी के इलाके में बैठे हुए हैं, लगातार वहाँ पर उनके करीबियों को तोड़ रहे हैं। सर क्योंकि आपके, आप तो चाणक्य के नेता, आपके पास तो वो इतना दिमाग नहीं लगा पाएंगे, मगर कमलनाथ जी के इलाके में सर जा रहा है। अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो कोई नहीं जा रहा है। वो लोकसभा क्षेत्र में पद यात्रा कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कमलनाथ की सरकार बनी थी उस दौरान उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा करी थी, और मध्य प्रदेश में उस दौरान कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार बनी थी, वापस वो लोकसभा के लिए पद यात्रा कर रहा है। सर आप पद यात्रा कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? सर जी कर रहा हूँ। आखिरकार ये इस तरह से अनोखी यात्रा क्या क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? इसके दो कारण हैं, एक तो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने ये तंज कसा कि कांग्रेस पार्टी को नौजवान उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए 77 साल के एक बूढ़े को टिकट दिया। तो मैं उन नेताजी से कहता हूँ, आइए धूप में, तपती धूप में मेरे साथ पदयात्रा करिए, तो पता पड़ जाएगा कौन जवान है और कौन बूढ़ा है। एक दूसरा ये है कि मैं 2 बार सांसद रहा, 80 से मैं प्रभारी मंत्री था यहाँ अर्जुन सिंह जी की कैबिनेट में, फिर मुख्यमंत्री रहा 10 साल। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लोगों से मेरा जीवित संपर्क रहा, लेकिन 2003 के बाद नई पीढ़ी आ गई है। मेरे साथ जो कार्यकर्ता थे उनके बेटा बेटी बहू पोता पोती नाती हो गए हैं, उनसे मेरा संपर्क टूट गया था। अब वो संपर्क उनसे जोड़ने के लिए मैंने यात्रा की है। यहाँ से 2 बार के, एक बार सांसद है रहे रोडमल नागर और वापिस उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया, मगर उनके सामने सर आपको लगा जिस तरह से मोदी मैजिक चला, मोदी लहर चल रही, उस दौरान आपको सर कांग्रेस ने यहाँ बड़ी जिम्मेदारी दी है सर? चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं क्या राजगढ़ से? रोडमल नागर, मगर सर मोदी मैजिक चला पूरे, मोदी जी और उनके मैजिक जो है ईवीएम में है, वोट उनका नहीं है, ईवीएम का वोट है। अच्छा सर, लगातार जिस तरह से ईडी सीबीआई के हमले हो रहे हैं सर, उसको लेकर? वाकई में हमले ही हो रहे हैं। अब कभी आपने देखा है, यहाँ तक कि इंदिरा जी के इमरजेंसी में भी कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ बिना किसी प्रमाण के उनको जेल नहीं भेजा गया, लेकिन यहाँ भेजा गया है। केजरीवाल जी को भेज दिया, हेमंत सोरेन जी को भेज दिया। सर 384 से अधिक बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए जिस तरह से आप बता रहे हैं सर, क्या ये नियम है? तो हमने आह्वान किया है जनता से, देश का कोई भी जो मतदान, जो मतपत्र से बैलेट पर चुनाव कराना चाहता है उसको राजगढ़ में आके फॉर्म भरना चाहिए। सर जिस तरह से आप जहाँ चाहे वहाँ पे आप खुद कहते हैं कि मेरे को चुनाव लड़ सकते, तो मोदी जी के सामने इस बार चुनाव क्या आपको तारा नहीं क्या? अब पता नहीं कौन हमारा उम्मीदवार होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी अच्छी लड़ाई लड़ेगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह से चलते रास्ते में मिल भी रहे हैं और भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। सर मेरा एक और सवाल है कि जिस तरह से आज वायनाड से राहुल गांधी जी ने फॉर्म भर दिया है, तो अमेठी से सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी लड़ सकते हैं क्या वापस? मुझे जानकारी नहीं है। और सर आखिरकार फिर जिस तरह से भोपाल में आप 2019 में चुनाव हार गए थे, तो भोपाल पर इस बार क्यों नहीं उतर पाए सर? मैं भोपाल लड़ा था, पार्टी का आदेश था, राजगढ़ लड़ रहा हूँ, पार्टी का आदेश है। सहमत है कि मध्य प्रदेश में इस बार क्या माहौल लग रहा है, कितनी सीट आ सकती है? माहौल तो चुनाव का हमेशा एक जैसे ही होता है। तो ये
साथ दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने एबीपी न्यूज से एक्चुअली बातचीत की और उनका कहना है कि जहां पार्टी ने कहा मैं वहां से चुनाव लड़ रहा हूं। 20 किलोमीटर रोज पर डे जो दिग्विजय सिंह है वो इस तरह से यात्रा कर रहे हैं और तमाम जो राजगढ़ क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं उनसे मिल भी रहे हैं और इसी बीच में जो तमाम मध्य प्रदेश या केंद्र सरकार की जो योजनाओं के बारे में कुछ समस्या आती है तो उसको लेकर जनता उनसे बात भी करती है। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं जो दिग्विजय सिंह के साथ पदयात्रा भी कर रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा में शामिल भी हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और लोकसभा चुनाव का संकनाद हो चुका है। इस समय हम मौजूद है राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जहाँ पर रोडमल नागर के सामने दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम जनता है और इन्हीं से हम जानेंगे इस बार क्या माहौल लग रहा है, कौन जीतेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में अगर हम देखा जाए तो अभी इंडिया गठबंधन में जो भी प्रत्याशी होगा उसको जनता इस बार चुनेगी, क्योंकि इस बार उन्हें जो एजेंसियां हैं उसका बहुत दुरुपयोग करा है, ईडीए, सीबीआईए, आईटीए। इस कारण से क्या है, ना तो रोजगार मिल पा रहा है, ना ही देश की कोई आर्थिक स्थिति सुधर पाई है। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा मध्य प्रदेश में, जिस तरह से राजगढ़ से कहा दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहा है और रोडमल नागर भाजपा से बहुत दावा कर रहा है कि हम जीत गए। राजगढ़ जिले की पहचान यहां पर माननीय दिग्विजय सिंह जी से है। दिग्विजय सिंह जी ने उनके मुख्यमंत्री काल में जिले में बहुत सौगातें दी हैं। अब वो कई साल बाद फिर से राजगढ़ जिले में सांसद चुनाव लड़ने आए हैं तो यहाँ पर राजगढ़ जनता पार्टी ना देखते हुए दिग्विजय सिंह जी का चेहरा देखेगी। कौन जीत रहा है इस बार आपके इलाके में? हमके इलाके में ये कांग्रेस पार्टी। इस बार कौन जीतेगा? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अच्छा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस जीतेगी। दीदी इस बार कौन जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी? बोलो। इस बार अम्मा क्या माहौल लग रहा, कौन बने इस बार, कौन जीतेगा आपके इलाके? कांग्रेस जीतेगी भैया। अच्छा क्यों, बीजेपी ने विकास करा कि नहीं करा? कहीं नहीं करियो। अच्छा कहीं नहीं करे, कहीं करे बीजेपी। अम्मा कौन जीते, कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी। अच्छा पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती मिलती है। हाँ। तो फिर मिलती नहीं थी। अच्छा लाडली बहना का जो योजना चल रही है उसका फायदा मिला? कोई नहीं मिली, हमारे तो फार्म ही नहीं जमा करिया दादा। हाँ लाडली बहना का योजना का लाभ मिला आपको? नहीं मिला। अच्छा तो इस बार कौन जीते, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। तो ये तमाम महिला है राजगढ़ इलाके में मौजूद है और इनसे बात की। सर क्या माहौल लगा इस बार? ये साहब राजा साहब का क्षेत्र है, राजा साहब ने यहाँ पे विगत 50 वर्षों से जब से वो राजनीतिक क्षेत्र में, उन्होंने सबको दिया, चाहे कोई भी चला जाए। अभी भी अगर रोडमल जी भी उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि साहब मुझे ये चीज़ की व्यवस्था करनी है तो साहब बिना रोडमल जी का चेहरा देखे उनको भी लिख के पर्ची दे देंगे और उनका काम हो जाएगा। मगर रोडमल जी सांसद बने हुए जी, रोडमल जी अपने नाम से वोट नहीं मांग रहे, वो सिर्फ मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं। अच्छा। कि मोदी जी को वोट देना, हम राजा साहब के नाम से वोट मांग रहे हैं, राजा साहब को वोट मिलेगा, जनता का प्यार है उनके साथ, राजा यहाँ से दिल से जुड़े हुए लोग हैं राजा साहब के। हाँ माहौल है, मतलब माहौल अलग ही। मोदी बात दिग्विजय सिंह राजा जीतेगा, मोदी फैक्टर नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ राजगढ़ जिले में, राजगढ़ लोकसभा में मोदी फैक्टर नहीं चलेगा। राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, विकास उनका लड़ रहे तो उसका ही मतलब। हाँ जीतेगा दिग्विजय सिंह जी राजा साहब। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये लोग हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर मोदी फैक्टर नहीं चलेगा, जिस तरह से धर्म की वो राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी उसका फैक्टर नहीं, यहाँ पर व्यक्तिगत राजा साहब के यानी कि नाम से फेमस है दिग्विजय सिंह, उनके साथ यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता और लोग उनके साथ दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो ये 4 जून को पता चलेगा कि राजगढ़ जिले लोकसभा क्षेत्र से रोडमल नागर जीतेंगे या दिग्विजय सिंह। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ एबीपी न्यूज़ के लिए राजगढ़ से नितिन ठाकुर।